अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं M99 न्यूज। मैं हूं रुबाब चीमा, बुलेटिन में आप सबको खुशामदीद। फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार के विजन के तहत ज़िला इंतजामिया की मामले से शहरियों को एक ही छत तले मुख्तलिफ महकमों की तेज रफ्तार सर्विसेज फ्राहम करने वाली ई खिदमत मरकज ने अवामी खिदमात का मियार जांचने वाली बैनुल अक़वामी कंपनी से ISO सर्टिफिकेशन हासिल कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने पाक आर्मी और रेंजर के हमराह चौक घंटाघर से मलिका आठों बाजारों, डी ग्राउंड और दीगर इलाकों में SOPs को चेक किया और वहीं शहरियों में फेस मास्क भी तकसीम किए। फैसलाबाद में SHO मदीना टाउन मियां बाजर की अपनी टीम के हमराह शानदार कार्रवाई। वलायती शराब की 100 बोतलें, प्रीमियम क्वालिटी 50 अदद बियर और मुख्तलिफ ब्रांड्स की सैकड़ों शराब की बोतलें बरामद की, जबकि एक मुल्जम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। मोहम्मद अली की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जैनुल आबिदीन ने 6 कामयाब छापे मारकर गंदम के 9000 बैग कब्जे में ले लिए, जो जखीरांदोजी की गर्ज से मुंतकिल किए जा रहे थे। बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। फैसलाबाद में सूरज का पारा खासा हाई है। दर्जा हरारत की अगर बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड जबकि कम से कम जो है वो 34 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इसी के साथ गर्मी की शिदत में इजाफे के बाद शहरियों को भी खासी मुश्किलात का सामना है, जबकि तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को हदायत जारी की गई है कि घरों से बाहर निकलते हुए अपने सरों को ढांक कर निकलें। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए बुलेटिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।